जिस खिलाड़ी पर सबकी निगाहें होंगी वो है जफर दानिश। कुल मिलाकर 130 रेट पॉइंट, 7 से ज्यादा का औसत और 5 सुपर 10 लगा चुके हैं अब तक अमीर मोहम्मद जफर दानिश। और ड्रीम 11 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मनिंदर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। पौने 200 रेट पॉइंट इस सीजन में 18 मैचों में, 10 के आसपास का उनका औसत है। वॉरियर्स ने टॉस जीता, पहली रेट यू मुंबा की होगी, शायद जफर दानिश ही पहली रेट पर आए। तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए, यू मुंबा वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। पहली रेट पर जफर दानिश, क्या जबरदस्त डेब्यू किया था जफर दानिश ने, लेकिन यहां कहानी बदल गई। वॉरियर्स का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा, बंगाल वॉरियर्स कामयाबी मिल गई यहां पर। गलती कर बैठे जफर दानिश, पहली गई बोनस की अटेम्प्ट, मौका दिया वैभव गर्जे को। बहुत ही बेहतरीन डैश कॉम्बिनेशन देखिए, वैभव गर्जे डैश करते हैं, हर्ष लाड हुआ एंकल होल्ड करते हुए। और यहाँ पे मनिंदर रॉन्ग साइड से बोनस लेने की कोशिश की। 1400 से ज्यादा पॉइंट मनिंदर के नाम, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन, इतनी फिटनेस। और यहां देखिए मुकिलन को बाहर किया मनिंदर में। आज टीम पे परिवर्तन है जरूर यू मुंबा की, लेकिन तमाम उन प्लेयर्स को मौका मिला है जिन्होंने कुछ मैचेस खेले हैं। इन पोजीशन पे खड़े थे मुकिलन, वहां से वो टैकल इनिशिएट करने की जरूरत थी। में महेंद्र और सुरेंद्र दोनों को आज कवर से बाहर कर दिया गया है, और मुकिलन और गोकुल कन्नन उनकी जगह पर टीम के अंदर आए हैं। और यहां 7 का डिफेंस शिवम के लिए। आज वॉरियर्स स्थान के आए हैं, इस मुकाबले को जीतना है। ओह, संदीप तरकर साहब जो कि सीईओ हैं वॉरियर्स के, काफी एक्साइटेड, और शुरुआत भी उसी तरह से किया है, बहुत ही बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन। हर्ष लाड ने फॉलो किया था शिवम को, यहां पे टू ऑर्डर रेड में विश्वंत आए। बोनस ले, बोनस तो नहीं मिलेगा, वही पे एंकल कर दिया शुभम शिंदे ने। बोनस पॉइंट यू मुंबा, अच्छा डिफेंस शुभम शिंदे का। शुभम शिंदे सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर है इस टीम के अंदर। ये देखिए इंतजार किया और सीधे एंकल लिया, हालांकि मोमेंटम था, लेकिन कहना होगा कि डिफेंस का जो सपोर्ट आया लास्ट मोमेंट में उसकी वजह से वो गिरफ्तार कर लिए गए। और सीजन के शुरुआत में हमने देखा था कि बंगाल का जो डिफेंस है वो हर मैच में बेहतर प्रदर्शन करता था, पर उसके बाद से डिफेंस स्ट्रगल करते रही है। सुपर टैकल यहां पर कामयाब नहीं हो सका, झटका दिया मनिंदर ने और पकड़ से निकल करके बहुत आसानी के साथ आ गए। चिंताजनक स्थिति यू मुंबा की। सब्स्टिट्यूशन यू मुंबा, लगातार पॉइंट लीक कर रहे डिफेंस में। 17 आउट, यहां पे सौरभ पाटिल मुंबई के खिलाड़ी है। उम्मीद थी इनसे भी कि इनको ज्यादा मौका देंगे, पर मौका दिया नहीं गया। देखना होगा कि आज इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है या नहीं। तो यही मौके होते हैं किसी भी प्लेयर को, जब मौके ना मिले और वो एक आध मिले मौके से चमक जाए। क्या उल्टा पैर उन्होंने मिडलाइन को क्रॉस किया, बिल्कुल यू मुंबा अच्छी शुरुआत की, ब्लॉक करने के लिए आए थे, कामयाब नहीं हो पाए। बहुत ज्यादा एडवांस आए थे हर्ष लाड, ग्रिप करने की कोशिश थी, पर पैरों से मिडलाइन को क्रॉस किया सौरभ पाठे ने। जफर दानिश रिवाइवल लीजिए, टच पॉइंट लीजिए, तभी बात बनेगी। ब्लैक लाइन क्रॉस करने से बोनस मिलेगा और कुछ नहीं होगा, आप अगली बार आउट हो जाएंगे। यू मुंबा पीकेएल 2 में चैंपियन, रनर्स अप सीजन 1 और सीजन 3 में, और इसके साथ ही यू मुंबा यहां पर ऑल आउट। वैभव गर्जे ने बढ़िया डिफेंस किया, और जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं, पहले 7 मिनट में पहला ऑल आउट खा गया यू मुंबा। डबल थाई होल्ड करके रोका जफर दानिश को वैभव गर्जे ने, के बाद वो टैकल अगर इनिशिएट करते तो शायद कामयाब रहते। यहां 7 का डिफेंस, और चलिए इस बार कामयाबी। सोपीर ने बहुत तरीके से एंकल लिया, डिफेंस का सपोर्ट बिल्कुल सही समय पर आया।
बहुत ही अच्छा ये एंकल होल्ड सोमवीर का, रॉन्ग एंकल पे गए थे, मोमेंटम ब्रेक किया, उसके बाद गोकुल कर्णन का वो डैश, बहुत ही अच्छा टैकल ये जफर दानिश, पांच के डिफेंस में फुटवर्क करने की कोशिश, पर दूसरी बार शिकार हुए वैभव गर्जे के। उनके सामने अगर बार बार फुटवर्क करोगे तो डिफेंस को मौका बन जाता है वो टैकल इनिशिएट करने का, और वही किया जफर दानिश के पैरों पे जाके, मोमेंटम तोड़ा जफर दानिश का और पूरे डिफेंस का सपोर्ट आज गरज रही है। बिल्कुल बहुत चेंजेस हुए उस वजह से शायद उनका डिफेंस जो है वो सेट हो नहीं पाया, पर आज थोड़ा सेट दिखाई दे रहा है बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस। पर यहाँ पे दो पॉइंट लेके गए शिवम, जर्सी नंबर 69 एंड 3 आउट। चलिए दो पॉइंट्स यहाँ पर शिवम ने निकाले, उंगलियां आखिर में मिडलाइन से निकल गई, पूरा शरीर पकड़ में था, हाथ खुला था, उन्होंने कहा चलिए हाथ ही तो निकालना है। और चेन भी बहुत ज्यादा एडवांस था शिवम शिंदे का, उसी के कारण शिवम वो एस्केप कर पाए और मल्टी पॉइंट रेड लगाई। तो वॉरियर्स की कहानी ये है कि उनका राइट साइड का डिफेंस बेहतर और यहां अच्छा टैकल किया सोमवीर, गए थे पैरों पर, बढ़िया एंकल लिया सोमवीर ने, यू मुंबा बॉक लाइन के ऊपर वो एंकल होल्ड इनिशिएट किया सोमवीर ने, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, पता था उनको यू मुंबा के होम लेग तक ये बेहतर खेले उससे पहले तक, लेकिन उसके बाद इंजरी हुई और इनका भी प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा। बिल्कुल संजय, इंजरी के बाद मुझे लगता है जफर दानिश स्ट्रगल करते हुए दिखे हमें, नहीं तो फिर उम्मीद कर सकते थे हम जफर दानिश लगातार अच्छा प्रदर्शन करें और साथ निभाए गुमान सिंह का। करेला और नीम चढ़ा आप कह सकते हैं, अब इंजरी उसके बाद गुमान सिंह को भी हो गई, चलिए उनका जिक्र हम करेंगे, पहले डू और डाई देखते हैं। जफर दानिश बहुत ही स्विफ्ट एक्शन है और यहां चलिए डिफेंस को सफलता मिल गई, पैरों पर गए थे जसकीर ने पहले काम किया था, वन पॉइंट हर्ष लाड का ये प्रयास था, जसकीर साथ में बगल में खड़े थे, बहुत ही अच्छा टैकल ये हर्ष लाड का, रॉन्ग साइड पर गए थे सफर दानिश, उसी का फायदा उठाया, पैरों पे जाके रोका, विश्वास का कम इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छे रेडर हैं, एक विकल्प के तौर पर मुझे लगता है कि वॉरियर्स इन्हें रिटेन करना चाहेंगे, और इस बार पैरों पर गए थे वन पॉइंट, लेकिन बढ़िया छलांग लगाई विश्वास, कामयाबी के साथ निकल गए, यूटिलिटी रेडर रहे विश्वास, जब जब मौका मिला, और ऐसे सिचुएशन में हमेशा इनको मौका मिलता है जब डू और डाई रेड आती है, और कामयाब रहते भी है, स्किल बहुत अच्छे इनके पास, जंप अच्छा लगाते हैं, रनिंग हैंड टच अच्छा करते हैं, बोनस भी अच्छा लेते हैं, तो यूटिलिटी रेडर बन सकते हैं बंगाल वॉरियर के लिए विश्वास। 23.1 रेट पॉइंट प्रति मैच, ये है वॉरियर्स का रेडिंग में रिकॉर्ड जो कि सीजन 10 में सबसे बेहतर है, वजह बिल्कुल साफ, और यहां कितने पॉइंट्स, दो का दावा कर रहे हैं, 4-4 2-2 और दोनों पार्टनर्स को उन्होंने बाहर किया यहां पर शिवम ने, जर्सी नंबर 69 एंड 4 आउट। बिल्कुल ये शुभम शिंदे की गलती हो सकती है, बहुत ज्यादा एडवांस खड़े हो गए थे और साथ में हर्ष लाड भी, तो जब एडवांस जाते हैं शुभम शिंदे तब डिफेंस गलती करता है, और वही हुआ। नितिन कुमार एक बेहद उपयोगी रेडर, और इस सीजन आप कह सकते हैं बंगाल वॉरियर्स अगर रेड पॉइंट्स में इतना बेहतर कर रहे हैं तो नितिन का उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, मनिंदर के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं नितिन, तो अगला सीजन भी नितिन का बेहतर रह सकता है। जफर दानिश ने भी सीजन डेब्यू किया, नितिन ने भी डेब्यू किया, बेहतर कौन है ये तय कर पाना मुश्किल है, रिशंक आपको कौन बेहतर लगता है? देखिए नितिन मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं संजय दा, क्योंकि स्किल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा स्किल है और प्रॉपर रीडिंग टेक्निक के साथ खेलते हैं नितिन कुमार, और जफर दानिश बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, उनकी फुटवर्क हो या फिर हम बात कर सकते हैं कि ईरान के प्लेयर है तो वहां के जो फुटवर्क है वहां के जो स्किल है वो ज्यादा यूज कर सकते हैं। मनिंदर पहली बार बाहर जाएंगे, सोमवीर ने यहां पर डाइव किया और ये यू मुंबा का चौथा टैकल पॉइंट,
पूरी तरह से मोमेंटम तोड़ दिया। चार के चारों टैकल पॉइंट सिर्फ एक डिफेंडर के नाम, और उनका नाम है सोमवीर। तो सोमवीर ने आज अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया डिफेंस में, उठकर खेल रहे हैं। बाकी डिफेंडर्स को भी थोड़ा स्टेप इन करना होगा। सिर्फ 9 पॉइंट का लीड है संजय दा, मुझे ऐसे लगता है कि आसानी से ये पार कर सकते हैं यू मुंबा की टीम, अगर अब संभल के खेलेंगे। पूरा एक हाफ बाकी है, कमबैक करना पॉसिबल है यू मुंबा को। बिल्कुल 20 मिनट का समय काफी होता है 9 पॉइंट की लीड को बांटने के लिए, लेकिन वॉरियर्स को संभल करके खेलना होगा। उनके सामने कल भी एक बड़ी चुनौती है, अगर प्लेऑफ की संभावना को किसी भी तरह बना करके रखना है तो आज तो जीतना ही है, कल पल्टन को हराना है। बहुत बड़ा काम होगा वॉरियर्स के लिए, लेकिन आप रणनीतियां तैयार कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए। और यहां 2 पॉइंट लेकर के चले गए विश्वंत। 2 पॉइंट्स यू मुंबा। बहुत ही बेहतरीन रेड है विश्वंत की, 80 पॉइंट रेड लगाई। और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त। लीड घट करके अब सिर्फ 7 पॉइंट की बची है, और ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है बंगाल वॉरियर्स के लिए। अगर यू मुंबा आपको परेशान कर रहे हैं तो कल पल्टन क्या करेगी। डिफेंस देखिए कहां चौकर खेल रहा है, बहुत ही अटैकिंग अग्रेसिव डिफेंस। बिल्कुल बहुत ज्यादा अटैकिंग खेल रहा है, और यहां पे गलती सोमवीर की, लगा कि नितिन को जैसे एंकल होल्ड एडवांस किया तो उन्होंने जर्सी नंबर भाई कर लेंगे विश्वास को। पर हर रेड सेम नहीं होती, थोड़ा अलग रणनीति अपनानी होगी सोमवीर को, वेट करना होगा। और यहां पे शिवम 5 के डिफेंस में, डिफेंस को थोड़ा संभल के खेलना होगा। जो एडवांस टैकल करके पॉइंट गवाए थे वो नहीं करना होगा, पर यहां पे बेहतरीन रेड शिवम की, 2 पॉइंट क्लेम कर रहे हैं यू मुंबा जर्सी नंबर 19 फर्स्ट। बिल्कुल जो क्लेम कर रहे हैं वो उन्हें हासिल भी हो रहा है, 2 पॉइंट शिवम के, और ये दूसरी बार है जो मल्टी पॉइंट्स लेकर के आए शिवम। बहुत ही अच्छी रेड ये नितिन पर, बस 2 मैचेस और बाकी हैं वॉरियर्स के लिए इसके बाद। सुपर टैकल में शिवम आए हुए हैं, और यहां पर देखना यह होगा कि क्या सुपर टैकल कामयाब होता है। लगातार डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं हो पाएगा कामयाब। बिजली की गति से निकले शिवम 2 डिफेंडर्स के बीच से, शिंदे को भी बाहर किया, और एक बार फिर मल्टी पॉइंट रेड लेकर के चले गए शिवम। बहुत ही जबरदस्त रेड है शिवम की, डबल थाई होल्ड करने की कोशिश थी शुभम शिंदे की, उससे बचे, उसके बाद गुहान आए थे फॉलो करने के लिए। बेहतरीन ये एस्केप शिवम का, 2 पॉइंट्स मल्टी पॉइंट रेड लगाई। ऑल आउट के कगार पे डाल दिया है बंगाल वॉरियर्स को। प्लीज कम वॉट इज योर चैलेंज, ऑल आउट, ओके प्लीज। टीवी एम्पायर यू मुंबा चैलेंज ऑल आउट 3+2 5 पॉइंट्स, आवर डिसीजन राइडर सेफ 2 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। यहाँ पे डबल थाई होल्ड करने की कोशिश थी शुभम शिंदे की, पर ऐसे लग रहा है कि कांटेक्ट पहला हुआ है डिफेंडर का रीडर के साथ, उसके बाद जो थे वो विश्वास एंड लाइन को पार कर गए, विश्वास बाहर गए, तो 2 ही पॉइंट मिलेंगे। रिव्यू अनसक्सेसफुल, राइडर सेव 2 पॉइंट्स यू मुंबा। फैसला यही था, नो मोर रिव्यू, सो भी वही हुई, 2 पॉइंट्स मिले यहां पर, ऑल आउट नहीं हुआ टीम। फिर से विश्वास आए रेड पे, बोनस दे दिया जाएगा। बिल्कुल बोनस तो निश्चित तौर पर दिया जाएगा, लेकिन क्या टच पॉइंट भी ला पाएंगे इस बार। डिफेंस देखिए बच कर खेल रहा है, लेकिन बोनस प्लस 1 पॉइंट एक बोनस 5 पॉइंट। फिर तो पिछली 2 रेड्स में विश्वास ने एक बार फिर वॉरियर्स के पक्ष में लीड मुकम्मल कर दी है। एडवांस जाने की जरूरत ही नहीं है डिफेंस को संजय दा, मुझे ऐसे लगता है कॉम्बिनेशन के साथ टैकल करना चाहिए, वेट करना चाहिए, थोड़ा टाइम गवाएंगे तो रेडर पे वो प्रेशर बनेगा।
पर बहुत ज्यादा एडवांस वो टैकल, लगातार विश्वास पर हमला, वजह बिल्कुल साफ और ये बिल्कुल टच कर दिया एंड लाइन तक धकेला विश्वास को। प्लीज प्लीज प्रो प्ले, ये देखा कि पिछली दोनों बार विश्वास रिवाइव करा के लाए तो शिवम गए और सीधे उन्होंने विश्वास पर हमला किया। सुपर टेन पूरा कर चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही चालाकी भरी रेड ये शिवम की, ने पता था दिक्कत कर सकते हैं विश्वास। प्लीज कम, व्हाट इज योर चैलेंज? राइडर सेल्फ आउट, ओके प्लीज। टीवी एम्पायर, बंगाल वॉरियर चैलेंज, राइडर आउट, लॉबी कट, आवर डिसीजन, राइडर सेफ 1 पॉइंट, प्लीज रिव्यू। मुरली कुमार मैच रेफरी, जैसा कि उन्होंने बताया कि लाइन कट हुई है, ये चैलेंज है वॉरियर्स का। हैंड टच करते वक्त शिवम का जो पैर है वो टच करने के बाद लॉबी में गया है संजय दा, तो रेडर सेव दिए जाएंगे। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर सेफ 1 पॉइंट, यू मुंबई। रिव्यू इनका भी चला गया, कैप्टन नो मोर रिव्यू, सो रिव्यू ओवर। और शिवम ने तो आज कमाल कर दिया, कप्तानी क्या मिली, सुपर टेन लगा दिया। बिल्कुल बंगाल वॉरियर्स के लिए बेहद अहम मुकाबला है, मनिंदर आए हुए हैं, क्या रिवाइव करा पाएंगे, दो बार विश्वास नहीं है करके दिखाया है मनिंदर। अब वक्त निकल रहा है, मनिंदर ने पैर दिए और उन पैरों का स्वागत किया बिट्टू ने, बोनस पॉइंट बंगाल वॉरियर्स, सिर्फ बोनस मिला, ऑल आउट हो गए इसके साथ ही। तो जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं, अभी भी वक्त है पंगा लेने का। अंदर चले गए थे काफी और बिट्टू का बढ़िया टैकल, बिल्कुल रॉन्ग साइड में चले गए, इसलिए एस्केप करना मुश्किल हो गया मनिंदर को। राइट साइड से अगर रेड करते, उनकी जोन में अगर रेड करते तो शायद कामयाब रहते, रॉन्ग साइड में गए बिट्टू, हावी हो गए मनिंदर पर। प्रो कबड्डी के मुकाबले किस तरह से करवट बदलते हैं, ये चलिए शुभम शिंदे ने यहां पर प्रयास किया, लेकर के गए शुभम शिंदे, विश्वंत को बाहर जाना पड़ा। बंगाल वॉरियर्स और एक समय 11 पॉइंट्स की लीड थी, बहुत ही बेहतरीन ये एंकल होल्ड शुभम का, तालाब में जैसे वो मच्छी पकड़ते हैं हाथों से, वैसे वो एंकल होल्ड किया है शुभम शिंदे ने। बिल्कुल कोलकाता में अगर आप इस चीज का उदाहरण देंगे तालाब में मछली पकड़ने का, तो आप समझ सकते हैं कि कोलकाता वासी कितने खुश हो जाएंगे। यहां 6 का डिफेंस, बढ़िया, और यहां पे रेडर सेव दिए जाएंगे। पीछा जाओ, पीछा जाओ। नितिन कुमार एस्केप करने की कोशिश थी, रेडर को भी आउट दिया जाएगा संजय जी और डिफेंडर को भी, क्योंकि नितिन कुमार पूरी तरह से बाहर चले गए। लेकिन उनके पास ये मौका है कि वो एक बड़ा परिवर्तन कर दे, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को यहां पर मिला और 11 पॉइंट की लीड अभी 7 पॉइंट पर टिकी हुई है। वापसी की कोशिश जरूर की है यू मुंबा ने। 6 का डिफेंस, शिवम ने अपने करियर का पहला सुपर 10 लगाया और वो भी एक कप्तानी मिलने के बाद। अभिषेक, लोग कहते हैं कि कप्तानी का बोझ, ओहो, और यहां घुटने पर चोट है बंगाल वॉरियर्स, ये एक परेशान करने वाली चोट हो सकती है। बिल्कुल पूरी तरह से घुटना चोट है, वो ट्विस्ट हो गया, दुख भरा हो सकता है ये चोट संजय दा। ऑल आउट की दहलीज पर यू मुंबा, क्या ऑल आउट बचा पाएंगे, सोमवीर आए हुए हैं रेड पर, बोनस उन्हें मिलेगा लेकिन शायद बोनस भी लेने नहीं जाएंगे ऐसा लगता है, बोनस तो ले ही सकते हैं, बोनस लेने जाना होगा संजय दा, डिफेंडर है, मुझे नहीं लगता कि बोनस उतनी आसानी से ले लेंगे, पर यहां पे पॉइंट मिल जाएगा, जस की रथ से गलती करवाई, 1 पॉइंट यू मुंबा, एडवांस गए थे जस की रथ, जरूरत थी रेन पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन, टैकल इनिशिएट करने गए यू मुंबा, कोई जरूरत नहीं थी जस की रथ को इस टैकल पर जाने की, और सोवीर को कामयाबी मिल गई।
ये मुकाबला अगर ऐसे ही चला तो 1-2-3 कौन खड़ा होगा, जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, तीन क्वालिफायर्स और चौथा गुजरात जायंट्स, यानी कि चौथा क्वालिफायर भी मिल चुका है, अब बची दो टीमें और इसके साथ ही ऑल आउट। 2+2 4 points। यू मुंबई यहां पर ऑल आउट हो गए हैं। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो सकते हैं। फासला देखिए बढ़ चुका है 14 पॉइंट्स का। बहुत ही अच्छा ये एस्केप, अंदर से दौड़े पता था शिवान जो है वो सिंगल ब्लॉक के लिए आएंगे, मौका दिया नहीं उनको। एस्केप बेहतरीन था ये नितिन कुमार का। 7 मिनट का वक्त अभी बाकी, विश्वंत आए हुए हैं, 4 रेड पॉइंट्स हैं आज विश्वंत के। बोनस का प्रयास, बोनस पॉइंट, यू मुंबई, कंफर्मेशन मिल गई। नितिन कुमार अच्छा रहा है आज का प्रदर्शन, 7 रेड पॉइंट कमाए और हमेशा ऐसे 4 और 5 के डिफेंस में नितिन कुमार डिफेंस से गलतियां करवाते, बहुत ही जबरदस्त रेड। बंगाल वॉरियर्स बिल्कुल, नितिन का एक और पॉइंट, कुल मिलाकर 8वां रेड पॉइंट है नितिन का। एक लगातार निरंतरता के साथ प्रदर्शन किया है नितिन ने, आज अच्छा प्रदर्शन रहा है बंगाल वॉरियर्स का। इसी तरह अगर डिफेंस अच्छा खेलेगी तो शायद पुनेरी पल्टन को अगले मैच में जो है वो चुनौती दे सकती है बंगाल वॉरियर्स की टीम। बंगाल वॉरियर्स, आखिरी 3 मिनट बचे इस मुकाबले के। विश्वंत ने यहां बढ़िया साइड ऑन किक लगाई, 15 पॉइंट का फासला वॉरियर्स के फेवर में। औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में, रोहित यादव कामयाबी के साथ वापस जाएंगे। बोनस प्लस 1 पॉइंट, बिल्कुल बोनस के साथ साथ वो पॉइंट भी हासिल किया। नंबर 5 आउट, रोहित यादव ने वो रनिंग बोनस किया, बैक शूट के लिए गए थे भाई वो गर्जे, कामयाबी मिली नहीं। डू ऑर डाई यहां पे मनिंदर सिंह, डू ऑर डाई रेड में पूरा समय लेना चाहेंगे और आखिर के कुछ सेकंड में शायद ट्राई करेंगे, पर यहां पे डिफेंस ही हावी हुआ उनपे। रेडर आउट, 1 पॉइंट, यू मुंबा। वजह बिल्कुल साफ है, मनिंदर अंदर गए और स्केप के लिए उन्होंने कोई खास एफर्ट्स नहीं किए, वो जहां गए वहीं खड़े हो गए और उसके बाद डिफेंस ने पूरा काम कर दिया। लगातार फुटवर्क कर रहे हैं, तब तक पॉइंट हासिल हुआ नहीं है, फुटवर्क करते वो अटैम्प्ट नहीं ले रहे, अटैक फुल पूरा नहीं कर रहे। बीच से निकलने का मौका था लेकिन जसकीरत को पैर मिल गया, रॉप सुपर टैकल यहां पर कामयाब हो गया, मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं था। फासला देखिए बढ़ करके 14 पॉइंट्स का, बिल्कुल कट करके अंदर से वो एस्केप करने की कोशिश थी पर जसकीरत ने बेहतरीन वो एंकल होल्ड करके, और यहां पर 14 पॉइंट्स का फासला वॉरियर्स के लिए। प्लेऑफ्स की संभावनाएं अभी कायम है इस टीम की, और यहां बढ़िया बैक टेस्ट, 2 पॉइंट लेकर के गए जाते जाते, और इसके साथ ही ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। 12 पॉइंट के फासले से बंगाल वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया और अपने आप को प्लेऑफ्स की दौड़ के लिए अब भी पूरी तरह से जंग में रख छोड़ा है वॉरियर्स ने, लेकिन काफी कठिन काम है, काफी मुश्किल काम है। अगला मुकाबला इन्हें पल्टन के साथ खेलना है जो इनके होम लीग का आखिरी मुकाबला होगा।